नमस्कार, शारदा संगीत कला केंद्र मेलबर्न के ऑनलाइन टीचिंग में मैं केशव तलेगांवकर आप सभी संगीत जिज्ञासुओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मैंने पूर्व की श्रृंखला में आपको ठाठ और उसके प्रत्यय और ठाठ के स्वरों के विषय में बताया, इस एपिसोड में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि ठाठ की विशेषताएं क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ठाठ क्रम से सात स्वरों को लिखने के लिए कहा जाता है। पहली बात, ठाठ गाया नहीं जाता। ठाठ में कोमल तीव्र चाहे कोई भी स्वर हो, वे क्रम के अनुसार ही आएंगे। जैसे सा के बाद रे, रे के बाद गा, गा के बाद मा। ठाठ में रंजकता यानी मेलोडी का होना कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह राग उत्पादक स्वर समुदाय हैं। इनसे हम राग की उत्पत्ति के विषय में जानते हैं। ठाठ में आरोह अवरोह नहीं किया जाता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ठाठ मात्र इस बात का द्योतक है कि अमुक राग किस ठाठ से जन्म हुआ और किस ठाठ के स्वरों का उसमें हमको गाने का चलन मिलता है। इसलिए ठाठ में आरोह और अवरोह की आवश्यकता नहीं होती है, केवल स्वर के क्रम की आवश्यकता होती है। ठाठ, जैसा कि हम समझे, ठाठ के माध्यम से राग की उत्पत्ति और राग के विशेषताओं को, उनके स्वरों के क्रम को, उनके उत्पत्ति के क्रम को जानने का ये जो प्रयास है वह ठाठ कहलाता है। सामान्य भाषा में ठाठ के माध्यम से राग की उत्पत्ति हम जान सकते हैं, राग को हम वर्गीकृत कर सकते हैं, राग को हम इस प्रकार जान सकते हैं कि मा तीव्र का राग है तो कल्याण ठाठ में होगा, शुद्ध स्वरों का राग है तो बिलावल ठाठ में होगा, आदि आदि। इस प्रकार से ठाठ की परिकल्पना भातखंडे जी ने अपने हिंदुस्तानी संगीत में की है। यहाँ पर मैं एक विशेष बात और भी बताना चाहूँगा कि बहुत से रागों में स्वरों के दो प्रकार आते हैं, तो ऐसे रागों को भातखंडे जी ने ठाठ में उनके एक ही स्वर को शामिल किया है, जैसे उनमें ठाठ हम निर्धारित कर सकें। ऐसे बहुत सारे राग हैं, वो भी अपवाद स्वरूप हैं और बहुत से विद्वानों ने उस पर चिंतन मनन का प्रयास चल रहा है, लेकिन अभी हमको प्रारंभिक अवस्था में उसके कॉन्सेप्ट को, उसके प्रत्यय को जान लेना चाहिए। इसी क्रम में ठाठ को हमने यहाँ जानने का प्रयास किया। इस बार मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इस ऑनलाइन टीचिंग में मेरे साथ शामिल होकर सीखने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।